श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोगामेडी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा और गोल्डी बराड ने ली है। रोहित गोदारा ने फेसबुक पर लिखा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके दुश्मनों का सहयोग करता था और उनको मजबूत करने का काम करता था, ऐसे में उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। रोहित गोदारा ने इसके साथ ही बाकी के दुश्मनों को भी धमकी देते हुए कहा है कि वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्द उनसे भी मुलाकात होगी। वहीं गोलीकांड की पूरी कहानी को जाना जाए तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जयपुर के श्याम नगर में अपने घर पर थे, जहां पर करीब 1:30 बजे उनके घर पर 3 बदमाश आए। पहले तो वह सोफे पर बैठकर गोगामेडी से बातें करने लगे। करीब 10 मिनट बाद बदमाश उठे और गोलियां चलाना शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के गार्ड ने बचाने की कोशिश भी की, जिसके बाद बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। बदमाशों ने जाते जाते गोगामेडी के सिर में भी गोली मारी। इस दौरान गार्ड ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश नवीन सिंह शक्तावत के गोली लग गई, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। फायरिंग के बाद बदमाश भागते हुए गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने पिस्टल दिखाई तो ड्राइवर कार को भगा ले गया। इस दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार एक व्यक्ति को बदमाशों ने रोकने की भी कोशिश की। स्कूटी सवार व्यक्ति नहीं रुका तो बदमाशों ने उस पर भी गोली चला दी, जिसके चलते स्कूटी सवार व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसके बाद उसकी स्कूटी लेकर बदमाश फरार हो गए। इस मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली लगने के बाद मानसरोवर के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश भर के राजपूत समाज में इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश है और जगह जगह प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और लगातार इसके उग्र होने की संभावना भी है। इस हत्याकांड से जुड़ी हुई और इस पूरे विरोध से जुड़ी हुई और भी जो खबरें आएंगी आप वो देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे रिपोर्टर साहब YouTube चैनल पर।